नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संधि के विषय में जानकारी दूंगी, परंतु उससे पहले संधि और समास में क्या अंतर होता है उसको जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें संधि और समास में भेद समझ नहीं आता है। आइए पहले जानते हैं संधि और समास किसे कहते हैं। यहाँ मैं दोनों में एक ही उदाहरण दे रही हूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी सुविधा होगी। संधि जो होता है दो अक्षरों के मेल से बनता है, और समास जो होता है वह दो से तीन या चार शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। आइए इसके उदाहरण से समझते हैं। हिम यहाँ दो शब्द हैं, परंतु दो शब्द जो हैं इस जब जुड़ते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु इन शब्द के जो अंतिम और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में जो स्वर व्यंजन या विसर्ग होते हैं वह जब जुड़ते हैं तब जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। आइए देखते हैं। हिम इसमें जो है अ स्वर है और आलय में आ स्वर है। अब ये दोनों जब जुड़ते हैं तो दीर्घ आ स्वर बनता है। तो यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्द बिल्कुल उसी तरह रहते हैं, परंतु इसमें जो अक्षर होते हैं अक्षर में स्वर व्यंजन या विसर्गीन ये तीनों होते हैं, ये तीनों संधि के भाग हैं, अर्थात यही तीनों जब जुड़ते हैं तब जाकर जो परिवर्तन होता है उसी से संधि बनता है, और इन दोनों को अलग करने को संधि विच्छेद कहा जाता है। अब देखते हैं समास। समास जो है, समास का वास्तविक अर्थ जो होता है उसको कहते हैं संक्षिप्त करना, अर्थात दो तीन शब्दों को मिलाकर जो संक्षिप्त में लिखा जाए जो शब्द उसको समास कहते हैं। जैसे यहाँ हिम का आलय, यहाँ आप देख सकते हैं तीन शब्द हैं, अब तीनों शब्दों को मिलाकर हिमालय बना दिया गया है तो यह समास हो गया, और इन अगर इनको तीन शब्दों में बांटा जाए तो उसको विग्रह कहते हैं, अर्थात अलग अलग लिखना। अब जानते हैं संधि के विषय में। संधि जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं, पहला जो स्वर से संबंधित होते हैं, दूसरा जो व्यंजन से संबंधित होते हैं, और तीसरा जो है विसर्ग से संबंधित होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आइए इनके उदाहरण से समझते हैं। विद्यालय, यहाँ आप देखिए विद्यालय लिखा हुआ है, इसमें आ स्वर लगा है, इसका विच्छेद करते हैं। विच्छेद करने से विद्या में जो आ स्वर है और आलय में जो आ स्वर है, अर्थात यहाँ दोनों आ स्वर है। इसी तरह और भी जो उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी बाद में उसमें ये विस्तृत जानकारी आपको दूंगी, परंतु यहाँ जो है स्वर अर्थात स्वर संधि में जितने भी शब्द होते हैं उस सभी में स्वर का प्रयोग हुआ रहता है इन शब्दों में। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में जो है, आइए उदाहरण समझते हैं। जगत धन ईश, अब यहाँ देखिए यहाँ पहले व्यंजन है फिर
स्वर है। तो व्यंजन संधि में पहला शब्द जो होता है उसके अंतिम में हमेशा जो है व्यंजन ही होता है, और यहाँ पे जो है दूसरे शब्द के पहले अक्षर में व्यंजन या फिर स्वर दोनों में से कोई भी हो सकता है। इनमें व्यंजन संध में कुछ नियम दिए हुए हैं जिसे मैं आपको अगले कुछ वीडियो में आपको बताऊंगी। विसर्ग संध जो इसका चिन्ह है दो बिंदु, जैसे मना योग। अब यहाँ पे जो है शब्द के पीछे यहाँ विसर्ग लगाया हुआ है। विसर्ग और व्यंजन या फिर विसर्ग के बाद या तो व्यंजन हो या स्वर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वहाँ जो है नया शब्द का निर्माण होता है। आइए पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से। अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ अ और री। स्वर संधि में इन्हीं स्वरों में से प्रयोग किए जाते हैं। स्वर संधि जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयाद स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो है आ ई ऊ और री, ये 4 स्वर प्रयोग होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। आइए इसके एक उदाहरण देख लेते हैं। विद्यार्थी, अब विद्यार्थी में आ स्वर प्रयोग हुआ है। दूसरा है रविंद्र, रविंद्र में बड़ी ई प्रयोग हुआ है लघुर में, इसमें बड़ा ऊ प्रयोग हुआ है पितृ, इसमें री नीचे प्रयोग होता है, शब्द के जो नीचे लगाया जाता है। आप यहाँ जो है बहुत आसानी से दीर्घ स्वर संधि को समझ सकते हैं कि जहाँ भी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री नीचे प्रयोग हुआ है वह दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में जो है ए और ओ और अर, ये 3 प्रयोग होते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। गणेश, इसमें ए स्वर प्रयोग हुआ है। सूर्योदय, इसमें ओ प्रयोग हुआ है, ओ स्वर। देवर्षि, इसमें अर जो है यहाँ शब्द के ऊपर, अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। इससे भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जहाँ ए और ओ और अर प्रयोग हुआ है वह निश्चित रूप से गुण स्वर संधि है।
तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, इसमें जो है ए औ ये दोनों स्वर प्रयोग होते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, सदैव, जलौघ। वृद्धि स्वर संधि में ए और औ ये दोनों स्वर प्रयोग होते हैं, जैसे सदैव और जलौघ। इसे भी आसानी से समझा जा सकता है कि जहाँ भी जिस शब्द में ए और औ मात्राएं प्रयोग हों, वह निश्चित रूप से वृद्धि स्वर संधि है। यण स्वर संधि में होता है य, र और व। यहाँ पे य, र, व स्वर तो नहीं है, परंतु स्वर और व्यंजन के बीच ये गिने जाते हैं। स्वरों के मिलने से ही यह बनते हैं, इसलिए यह स्वर संधि में आते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं, इत्यादि, मात्राज्ञा, स्वागत। आप यहाँ ये देखिए कि इसमें भी आधा व्यंजन है और यहाँ भी आधा व्यंजन है, और यह यहाँ प्रयोग हुआ है और वह जो है यहाँ प्रयोग हुआ है। तो यण स्वर संधि में कहीं भी अगर व्यंजन आधा लगा हो और उसके बाद यह या वह प्रयोग हुआ हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह यण स्वर संधि में है। आगे मैं आपको उदाहरण देकर आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और र, यहाँ र जो है त्र के रूप में प्रयोग होता है। अयाद स्वर देखते हैं, अयाद स्वर जो है आय, आय, अव, आ। अय से य होता है, आय से भी य, अव से व, आव से व। यहाँ उदाहरण आपको देते हैं, नायक, नायक, अर्थात स्वर अ और यह, यहाँ यह प्रयोग हुआ आय। भवन, यहाँ जो है अव, भ में व और व, अव, भवन। अयाद स्वर संधि को आप इससे पहचान सकते हैं कि जो भी शब्द इसमें आते हैं उसमें बीच में य या फिर व अवश्य प्रयोग किए जाते हैं। तो इसे आपको बहुत आसानी से स्वर संधि समझ आ सकता है। अगर आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें तो आपको कभी भी संधि को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब इन पांचों स्वर संधियों के विषय में हम बारी बारी से विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। पहले हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि में ये ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, उ होता है। दीर्घ स्वर संधि में आ, ई, उ और री होता है। ह्रस्व स्वर के बाद यदि कोई दीर्घ स्वर आए या फिर दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व स्वर आए, तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। जैसे आ, ये जो मुख्य हैं स्वर वो है आ, ई, उ और र। अब यहाँ आप देखिए, पहले अ, फिर बाद में भी अ, उसका भी क्या हो गया है, आ स्वर बन गया है। जैसे मत, धन, अनुसार, यहाँ अ स्वर है और यहाँ भी अ स्वर है, और उसके मिलने से आ स्वर बन गया है, मतानुसार। उसी तरह यदि पहले अ और बाद में आ हो तब भी आ स्वर बनता है। जैसे हिम में अ स्वर और आलय में आ स्वर है, तो इसका दीर्घ हो गया है आ, हिमालय। यहाँ जो व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन व्यंजनों में जो है स्वर जुड़ा होता है अ,
हिंदी में जो है जो व्यंजन होते हैं उसमें अ स्वर जुड़ा होता है, नहीं तो हलंत लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए आ स्वर, फिर उसके बाद अ स्वर है, उसका भी दीर्घ आ स्वर हो गया है विद्या में आ, और बाद में जो अर्थी स्वर है उसमें अ स्वर है, उसमें भी विद्यार्थी, यहाँ दीर्घ स्वर हो गया है। अब चौथे में आ और आ दोनों तरफ आ है, और उसका ह्रस्व हो गया है, उसका दीर्घ है आ, विद्या धन आलय दोनों में आ स्वर है और दीर्घ हुआ है विद्या आ विद्यालय। अर्थात पहले यदि अ आ आए, बाद में अ आ जो भी आए उसका हमेशा दीर्घ हो जाता है। इसी तरह ई में भी, यहाँ छोटी ई और बाद में बड़ी छोटी दोनों में से ई आया है तभी यहाँ दीर्घ हुआ है। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं हरि, इसमें छोटी ई और यहाँ बड़ी ई और दीर्घ हुआ है बड़ी ई। यहाँ भी ह्रस्व स्वर छोटी ई और ह्रस्व स्वर छोटी ई है और उसका दीर्घ हो गया है। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ दीर्घ स्वर ई है और ह्रस्व स्वर ई और उसका दीर्घ हो गया है महेंद्र। यहाँ दोनों दीर्घ स्वर है और उसका दीर्घ हुआ है नदीश बड़ा ऊ। यहाँ भी आप देख सकते हैं पहले छोटा ऊ, फिर उसके बाद उसका दीर्घ हो गया है बड़ा ऊ। गुरुपदेश छोटा ऊ छोटा ऊ और दीर्घ बड़ा ऊ। इसी तरह ह्रस्व स्वर छोटा ऊ और दीर्घ ऊ, यहाँ भी उसका हो जाता है दीर्घ। लघु में ह्रस्व स्वर और ऊर्म में दीर्घ स्वर और इसके मिलने से दीर्घ हो गया है। इसी तरह यदि पहले दीर्घ स्वर हो और बाद में ह्रस्व स्वर हो तो वो भी दीर्घ हो जाता है, जैसे बधु उत्सव, इसमें दीर्घ स्वर है और यहाँ ह्रस्व स्वर है तो यहाँ दीर्घ हो गया है। इसी तरह और भी उदाहरण देखते हैं। परम धन अर्थ परमार्थ, शरण धन अर्थी शरणार्थी, भोजन धन अवकाश भोजनावकाश, कर्म धन अंत कर्मांत, भाव धन अर्थ भावार्थ, अन्न धन अभाव अन्नाभाव, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, धन धन आदेश धनादेश, मूर धन आर्य मुरारी, शिव धन आलय शिवालय, शुभ धन आगमन शुभागमन, दीक्षा धन अंत दीक्षांत, तथा धन अपि तथापि, शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी, महाधन आत्मा महात्मा, कवि धन इंद्र कवींद्र, मुनि धन इंद्र मुनींद्र, क्षिति धन इंद्र क्षतींद्र, सची धन इंद्र सचींद्र, कवि धन ईश कवीश, मुनि धन ईश मुनीश, गिरि धन ईश गिरीश, सती धन ईश सतीश, भानु धन उदय भानुदय, अनु धन उदित अनुदित, भू धन ऊर्ध भूर्ध, मात धन ऋण मातृण। अब जानते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में जो होता है अ आ के बाद यदि ई और बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, यदि अ और आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, यदि अ और आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। उदाहरण देखते हैं ए, अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, जैसे नर धन इंद्र नरेंद्र, गण धन ईश गणेश। अब इसमें अ स्वर है और ई स्वर है, दोनों मिलकर बने हैं ए।
यहाँ भी गढ़ में ड़ में अ स्वर है और ई स्वर है, यहाँ दोनों मिलकर बने हैं ए। महाधन इंद्र, इसमें आ स्वर है और ई स्वर, इन दोनों को मिलने से ए बना है। रमाधन ईश, रमा में आ स्वर है और ई बड़ी ई स्वर, यहाँ भी रमेश हो गया है। अब ओ, ओ में जो है अ पहले और आ पहले हो, उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, तो वो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, जैसे सूर्य धन उदय। इसमें य, य में अ और छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर जो है ओ का निर्माण करते हैं, सूर्योदय। इसी तरह अ पहले और बाद में ऊ, जल में अ और ऊ, ये दोनों मिलकर ओ बने हैं। इसी तरह महा, इसमें आ स्वर और इसमें ऊ स्वर है, तो दोनों बनकर ओ का निर्माण करते हैं, महोत्सव। इसी तरह आ प्लस ऊ, इस महा में आ और उर्म में ऊ है, तो दोनों मिलकर बने हैं महोर्मि। अब आर देखते हैं, अ और री, ये दोनों मिलते हैं तो अर स्वर का निर्माण होता है, जैसे देव धन ऋषि, यहाँ व में अ है और ऋषि, ऋषि में री, ये दोनों मिलकर अर बनाते हैं। इसमें जो है यह गुण संध में र ऊपर प्रयोग किया जाता है और दीर्घ में नीचे प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आ स्वर के बाद यदि री स्वर आए तो भी अर होता है, जैसे महा, इसमें आ स्वर है और ऋषि में री, तो यहाँ भी महर्षि हो गया है। क्षेम धन इंद्र, क्षेमेंद्र, देव धन इंद्र, देवेंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र, सुर धन इंद्र, सुरेंद्र, प्रेम धन इंद्र, प्रेमेंद्र, अ और ई से ए बना है। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, देव धन ईश, देवेश, नर धन ईश, नरेश, तप धन ईश, तपेश, सुर धन ईश, सुरेश, भव धन ईश, भवेश, राजा धन इंद्र, राजेंद्र, भाग्य धन उदय, भाग्योदय, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, नयन धन उन्मीलन, नयनोन्मीलन, सर्वधन उदय, सर्वोदय, सर्वधन उच्च, सर्वोच्च, पर धन उपकार, परोपकार, गंगा धन ऊर्म, गंगोर्म, जल धन ऊर्म, जलोर्म, गंगा धन उदक, गंगोदक। अब अ और री मिलकर अर बने हैं, राज धन ऋषि, राजर्षि, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बचे हुए तीन स्वर संधियों के विषय में आपको बताएंगे, जिसमें है वृद्धि स्वर, यड़ संध और आयात स्वर संधि। इन तीनों के विषय में हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।